धान के फसल अवशेष का निस्तारण एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। देश के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई की जाती है। किसी टिकाऊ विकल्प और समय के अभाव में किसान मजबूरी में धान की पुआल को जला देते हैं ताकि खेत जल्दी से खाली हो जाए। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। पिछले कुछ वर्षों में कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा फसलों की कटाई की जाने के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है। फसल अवशेष एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि पोषक तत्वों का भंडार है, जिसे यदि मृदा में पलट दिया जाए तो उसकी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवस्था में सुधार होता है। यदि इन अवशेषों को विघटित कर खाद बना दी जाए तो यह पर्यावरण के लिए अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं बहुत उपयोगी होता है। इसलिए नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने निरंतर शोध द्वारा एक प्रभावी माइक्रोबियल कंसोर्शिया अर्थात पूसा डीकम्पोजर का विकास किया है। धान की पराली के तीव्र अपघटन हेतु पूसा डीकम्पोजर 7 कवक प्रजातियों के फफूंद बीजकों के संग्रह से विकसित किया गया है। पूसा डीकम्पोजर धान की पुआल को इन सीटू यानी खेत के अंदर और एक्स सीटू यानी खेत के बाहर तीव्र अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह धान की पराली के सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। पूसा डीकम्पोजर का 25 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 10 लीटर प्रति एकड़ तरल धान के पुआल पर छिड़क दिया जाता है। लगभग 20 से 25 दिनों में करीब 75% पराली सड़ जाती है। इसे खेत में पलटने के लिए तथा उचित मिश्रण बनाने के लिए रोटावेटर या एमबी प्लो का उपयोग कर भूसे को मिट्टी में मिला दिया जाता है। खेत में नमी को सुनिश्चित करने के लिए हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। 20 से 25 दिनों के बाद खेत जब स्थिति में हो तो लागत को और कम करने के लिए इन्हीं खेतों में किसान भाई हैप्पी सीडर अथवा जीरो टिल ड्रिल का उपयोग कर गेहूं की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। इससे गेहूं के अंकुरण में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है। ये परीक्षण पंजाब एवं हरियाणा के कई जिलों जैसे अमृतसर, होशियारपुर, सोनीपत, पानीपत और यूपी के शामली के विभिन्न गांवों में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। पूसा डीकम्पोजर अभी तरल एवं कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। उपयोग में आसानी हेतु किसानों के सुझाव पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसे पाउडर रूप में भी तैयार किया है। 1 एकड़ भूमि के लिए 500 ग्राम पाउडर पर्याप्त है। इस पाउडर को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर मशीनों द्वारा छिड़का जा सकता है। पूसा डीकम्पोजर अनुप्रयोग जैसी अवशेष प्रबंधन प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि अवशेषों के विघटन में तेजी लाने तथा मृदा के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार की अपार क्षमताएं हैं। अतः धान की पराली प्रबंधन के लिए पूसा डीकम्पोजर एक दीर्घकालीन एवं स्थायी समाधान है।